आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड का यूनिट फाइव की पोयम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो इसमें आपको बताया है जब रात होती है तो हमको उसे नहीं डरना चाहिए। जैसे डोंट बी मतलब डरना नहीं चाहिए, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, और ऑफ द डार्क का मतलब होता है रात से। कई बच्चे होते हैं जो रात में डरते हैं, कोई भूतों से डरते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं, अंधेरे से डर लगता है। तो आपको इस पोयम में यही बताया है कि हमको रात से नहीं डरना चाहिए। रात ऑब्वियसली मतलब इसमें आपको सेंटेंसेस में समझाया है कि जो अर्थ है वो रेस्ट करती है, मतलब दिन में कितना शोर शराब होता है लेकिन रात तो शांत होती है, इसलिए हमको रात से नहीं डरना चाहिए। और आप अभी फोर्थ में हो, आपको सिक्स्थ में कॉन्सेप्ट बताया है कि डे और नाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे समझो ये सन है और ये हमारी अर्थ है ना, जैसे ये सन है और ये हमारी अर्थ है। अब जो अर्थ है ना वो हमारे सन को क्या बोलते हैं रोटेट होती रहती है उसके आजू बाजू, और उसका जो एक्सिस होता है मीन्स जहाँ पे वो रहती है ना इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, वहाँ पे भी वो रोटेट मतलब धीरे 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 रोटेट होती रहती है। एक दिन में वो एक बार तो रोटेट रहती ही है ना, तो रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है इसका एक कॉन्सेप्ट आपको सिक्स में बताया है। तो अब जब वो रोटेट होती है, समझो ये सन ये हमारी अर्थ, यहाँ जब वो रोटेट होती है तो इतना जब पार्ट रहता है ना, अगर इंडिया में आपने देखा होगा कभी डे होता है तो जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ पे रात होती है, और अगर वहाँ डे होता है तो हमारे उसमें नाइट होती है। तो यही रहता है कि मतलब देखो जब सन की जो रेजेस है वो इस पार्ट में पड़ती हैं ना, ये रोटेट हो रही है अभी भी, तो इतना जो पार्ट है यहाँ पे क्या होगा दिन होगा, जो पीछे वाला मतलब साइड होगा वहाँ पे रात होगी, फिर वो पीछे वाला जो साइड है वो रोटेट होके आगे आएगा और जो मतलब आगे वाला था वो पीछे जाएगा, तो राइट क्या बोलते हैं नाइट होगी। तो यही होता है डे और नाइट का ग्राफ छोटे उसमें समझे। तो बस यही आपकी मतलब पोयम में भी बताया है कि रात में तो बस एक तरीके से देखा जाए ज्योग्राफिकली तो हमको तो पीछे साइड से पता रहता है ना, हमको क्या करना है रात से बस डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर, एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉरएवर एंड एवर। तो यहाँ पे हमसे कहा है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, है ना, मतलब हमको रात से और अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। लिटिल वन छोटे बच्चों के लिए यूज़ हुआ है, जैसे आप द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, जो अर्थ है वो तो रेस्ट करती है जब जो डे है वो ओवर हो जाता है ना। जैसे रात में हम सोते हैं क्योंकि हम थक जाते हैं ना, पूरे दिन काम करके हम सोते हैं, इसी तरीके से अर्थ भी दिन भर घूम घूम के रात में सोती है। द अर्थ मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर, जो सन है वो हार्श होता है, हार्श का मतलब होता है रूखा होता है, लेकिन मून लाइट जो है वो ऐसी कभी नहीं होती है, वो तो कितनी पीसफुल शांत सी रहती है। एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो स्टार्स होते हैं वो तो चमकते रहते हैं। फॉर एवर का मतलब होता है एक तरीके से उम्र भर, और एवर मतलब कभी भी, है ना, तो मतलब उनका काम ही है चमकने का। इतना आपको फर्स्ट में बताया था, फिर सेकेंड में आपको बताया है बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर, जस्ट लेट योर थाट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, बाई डे इट डज सीम डेट अवर ट्रेवल्स वॉन्ट सीज, बट एट नाइट लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज एट पीस। तो यहाँ पर हमसे कहा है कि बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देर इज़ नथिंग टू फियर, है ना, मतलब हमको हमेशा रात के साथ में दोस्त बन के रहना चाहिए, कुछ डरने की बात तो है नहीं। हमारे बस जो थाट्स हैं मतलब जो नेक्स्ट लाइन है, जस्ट लेट योर थाट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, है ना, जो आपके बेकार से विचार हैं उनको अपने दिमाग से दूर एकदम निकाल के फेंक दो, इस तरीके से कहा है। बाय डे इट डज सीम्स दैट अवर ट्रेवल्स वॉन्ट सीज, मतलब इतना कहा है यहाँ पे कि डे में क्या होता है हमको कितनी सारी मुश्किलें होती हैं सहनी पड़ती हैं, है ना, हम परेशान टाइप के रहते हैं, बट एट नाइट एट लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज़ एट पीस, लेकिन रात में, और इसमें कहा है बाद में देर रात में, जैसे 2:30 बजे का तो जो टाइम होता है ना, 2:30-3 इस वक्त जो वर्ल्ड है वो तो एकदम शांत होता है, आप कभी उठ के देखना आपको बिल्कुल भी शोर नहीं मिलेगा, कभी कभी होता है वरना तो नहीं होता। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, लिखी किसने, रस्किन बॉन्ड ने, एक फेमस पोएट है ना, मतलब इनकी कई स्टोरीज भी हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हुई, देखो बच्चा कितना डर रहा है मूनलाइट से, बट मूनलाइट तो कितनी अच्छी होती है, उसे डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, थैंक यू।